हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली अगर आप टोरंटो या कनाडा अगर ऑलरेडी आ चुके हो, आप जहाँ पर भी घर लेते हो, आप देख लीजिए आपके घर के आसपास ऐसे पार्क कहाँ पे है या ऐसे वाटर स्प्लैश कहाँ पे है। देखिए मेरे बच्चे पीछे कितना एंजॉय कर रहे हैं। आज सैटरडे है, हम लोगों को कहीं पर जाने का नहीं है, तो मैं बस अपने बच्चों को ले आया, यहाँ पर छोड़ दिया। और इधर एक बहुत बढ़िया लेक है और मेरे पीछे बहुत बढ़िया किड्स पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है उस साइड में, ठीक है। और इधर देखिए पीछे है वाटर स्प्लैश, जहाँ पे बच्चे आराम से बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। तो आप भी जहाँ पर भी रहोगे, और कनाडा में ऐसे वाटर स्प्लैश हर जगह पे ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो मतलब मैं लकी हूँ कि ये मेरे घर के एकदम पास में है। मैं लोअर सैकविल में रहता हूँ बाय द वे। मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप हैलीफैक्स आते हो देन Clayton Park is one of the best area to live. That is true. But Lower Sackville is also very good, very nice place. ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ Lower Sackville, इसके आसपास दो प्रोविंशियल पार्क है, चारों तरफ इतना ज़्यादा ग्रीनरीज है। तो अगर वीकेंड में अगर आप कहीं पे जाते भी नहीं हो देन ऑल्सो यू विल बी यू विल बी गुड। आई मीन आप बस पार्क में आ जाइए, पार्क में आके बैठे रहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको फिशिंग करने का शौक़ है तो ऐसे लेक में आप फिशिंग कीजिए। इन्फ्लेटेबल बोट मिलता है यहाँ पे, सस्ता में मिलता है। एक इन्फ्लेटेबल बोट ले लीजिए, इन्फ्लेटेबल बोट लेके यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ आप एंजॉय कीजिए। सो लोअर सैकविल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नाइस प्लेस फ्रेंड। बट Clayton Park में क्या है कि Clayton Park में आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस मिलेगा, ठीक है। हैलीफैक्स में आजकल जितना भी ज़्यादा इंडियंस आ रहा है या लास्ट एक दो साल में जितना भी ज़्यादा इंडियंस आए हैं, Clayton Park में ही सबसे ज़्यादा लोग आपको मिलेगा। तो Clayton Park में अगर आप रहते हो तो उसका देखिए दो तीन बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स यही है कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो है वो बिल्कुल सामने है, ठीक है। 2 मिनट का ड्राइव है और 2-3 इंडियन ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे मैं भी जाता हूँ मेरे जो भी इंडियन ग्रोसरी है उसको लाने के लिए। और अगर आपको डाउनटाउन कम्यूट करना है, अगर आपको ऑफिस जाना है, तब Clayton Park से ऑफिस जाना बहुत ईजी है। 4-5-10 मिनट का ड्राइव है, बिल्कुल सामने है, मतलब डाउनटाउन के जस्ट बाहर ही है Clayton Park। सो इन दैट सेंस दैट इज़ अ गुड एरिया। और अगर आप कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आपको कनाडा के ऊपर कुछ आइडिया नहीं है, तो शायद Clayton Park में रहना आपके लिए सही होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत ही नज़दीकी है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है एंड वो आपके लिए ईजी होगा, राइट। और स्कूल भी अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस है और अगर थोड़ा सा अगर आपको ड्राइविंग आता है एंड एनीवे इफ़ यू आर गोइंग टू बाई अ कार, आपको हैलीफैक्स में एक गाड़ी लेना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप हैलीफैक्स आते हो आपको गाड़ी लेना ही पड़ेगा, विदाउट कार यहाँ पे रहना, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो डाउनटाउन के आसपास अगर आप लोग रहते हो तो मैनेज कर लोगे, लेकिन लाइफ विल बी बोर, यहाँ पे लाइफ बहुत बोरिंग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे उतना ये दिस इज़ नॉट अ हॉट एंड हैपनिंग प्लेस, ठीक है। अगर आप यंग कपल हो, आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाकर पार्टी करोगे, है डाउनटाउन में कुछ जगह है, लेकिन ऑब्वियसली हर रोज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। और कितना पार्टी आप करोगे, राइट। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आप ऑफिस से आने के बाद हर रोज़ पार्टी करने जाओगे। तो अगर आपको घूमना पसंद है, अगर आपको नेचर का आनंद, जैसे मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा पार्टी नहीं करता हूँ, राइट। ज़्यादा क्या मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है, नेचर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद है और नया जगह एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको ऐसा, अगर आपका भी ऐसा है, तो अगर आपको भी ऐसा ही पसंद है तो आपको एक कार्ड यहाँ पे ज़रूरी आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो मैं जो बोल रहा था कि Clayton Park इज़ अ नाइस एरिया। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो तो शायद आपके लिए Clayton Park सही होगा। लेकिन अगर Clayton Park में नहीं भी मिलता है, राइट, अगर आपको अपार्टमेंट Clayton Park में नहीं भी मिलता है देन ऑल्सो यू विल बी फाइन, ठीक है। क्योंकि Clayton Park में क्या है कि आपको इंडियन ज़्यादा मिलेगा, इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेगा, इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिलेगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप अगर जैसे मान लीजिए मैं लोअर सैकविल में 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूँ एंड मेरा जो रेंट है दैट इज़ 1425 एंड हाइड्रो इंक्लूडेड नहीं है। और हाइड्रो मेरा मंथली मान लीजिए $30-40 ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर मैं टोटल, और मेरा पार्किंग फ्री है, ठीक है, मेरा पार्किंग के लिए मुझे कुछ पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल 1500 के अंदर मेरा आराम से हो जाता है। मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ और काफ़ी बड़ा घर है मेरा। मैं अपना घर का भी एक मैं टूर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। तो और मेरे अपार्टमेंट से सामने एक छोटा सा हाईलैंड, मतलब पहाड़ जैसे दिखता है, तो वहाँ पर बैल्कनी में बैठ के अगर आप खुद भी आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो या जब बैठे हो, तब भी आपको अच्छा लगेगा। जो कि जस्ट ऑपोजिट एक छोटा सा पहाड़ एक व्यू है। तो देखिए इतना कम पैसे में मुझे कितना बढ़िया जगह मिला और मेरे घर के आसपास सब कुछ है। मेरा स्कूल जो है मेरा 300 मीटर पे है, 300-400 मीटर पे है, तो पैदल जाने में 2-3-4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। स्कूल सामने है, बस क्या है कि कोई इंडियन ग्रोसरी स्टोर मेरे घर के आसपास नहीं है। घर के देखिए आसपास मतलब ग्रोसरी स्टोर है बेडफोर्ड में एक है जो मेरे घर से शायद 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर में होगा, तो वहाँ पे भी जाने के लिए मुझे 10 मिनट ही लगता है। ठीक है, तो देखिए हैलीफैक्स जो है काफ़ी छोटा जगह है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ हैलीफैक्स, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आजकल मैं देखता हूँ लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया में भी पूछते हैं, कॉमन जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक में भी देखता हूँ कि हैलीफैक्स में कौन सा जगह अच्छा है रहने के लिए, कहाँ पे। दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चन, ओके, आई रेस्पेक्ट दैट, लेकिन दीज आर वैलिड क्वेश्चंस अगर आप एक बड़े सिटी में मूव कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक बड़े सिटी जैसे मान लीजिए मुंबई में आप मूव कर रहे हो, मैं इंडिया की हिसाब से बोल रहा हूँ, आप मुंबई में मूव कर रहे हो या दिल्ली में मूव कर रहे हो, कोलकाता में मूव कर रहे हो, बेंगलोर में मूव कर रहे हो, तो आपको तब ये जो क्वेश्चन है दैट मेक सेंस, क्योंकि आप कहाँ पे रहोगे, जहाँ पे स्कूल अच्छा है, जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम होगा, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है और जहाँ पे आप शांति से रह सकते हो, राइट। बड़े सिटी के लिए वो सही है। इवन टोरंटो, यू नो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, अगर ऐसे जगह पे भी अगर आप रहते हो तब भी दैट क्वेश्चन वैलिड कि कहाँ पे रहना सही है, कहाँ पे घर लेना सही है। लेकिन हैलीफैक्स जो जगह है दोस्तों बहुत ही छोटा जगह है। ठीक है, बहुत ही छोटा जगह, मतलब हैलीफैक्स में एक जगह से और एक जगह जाने में आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा। किसी भी जगह से किसी भी जगह आप चले जाइए, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर जहाँ पे है, मेरे घर से मैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर जाऊँ 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। डाउनटाउन जाऊँगा तो मुझे हार्डली 20-25 मिनट्स लगता है, या 30 मिनट्स मान लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर आपको ऑफिस जाना है, क्लेटन पार्क से ऑफिस जाने में अगर आपको 10 मिनट लगता है और मेरे घर से डाउनटाउन जाने में अगर मुझे आधा घंटा लगता है, 20 मिनट्स इज़ नॉट अ बिग डील, राइट, कोई बड़ा डील नहीं है। लेकिन आपका रेंट काफ़ी कम होगा। आजकल क्लेटन पार्क में शायद 2 बेडरूम आपको 1800 या 2000 डॉलर के आसपास आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा दूर अगर रहते हो, लोअर सैकविल, स्प्राइफील्ड, हैमंड प्लेन्स, तो ये सब जगह पर अगर आप रहते हो तो आपका 1400-1500 में आपका आराम से आ जाएगा, बड़ा जगह आएगा, पार्किंग आपका फ्री आएगा। डाउनटाउन में पार्किंग फ्री नहीं है, क्लेटन पार्क में कुछ अपार्टमेंट में पार्किंग फ्री नहीं है, पार्किंग के लिए भी आपको पे करना होता है 80-100, कोई किसी जगह पर मैंने सुना है कि पार्किंग के लिए $250 चार्ज कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट। आपका कार इंश्योरेंस शायद $250-300 होगा मंथली, और पार्किंग के लिए भी अगर आप $250-300 देते हो देन इट्स डैम एक्सपेंसिव। तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच के लीजिएगा। और हैलीफैक्स अगर आप आ रहे हो, आप नीडर आ जाइए, बहुत ही छोटा सिटी है, डजेंट मैटर आप कहाँ पे रहते हो, जहाँ पर भी आपको अपार्टमेंट मिल रहा है आप ले लीजिए अपार्टमेंट। ठीक है, एटलीस्ट पहला साल के लिए आप ले लीजिए। देखिए मैं एज ए यूट्यूबर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ या दूसरे यूट्यूबर आपको क्या बोल रहा है, या ठीक है, मतलब एडवाइस या सजेशन सबसे लेना सही है, लेकिन जो खुद का जो एक्सपीरियंस है, राइट, वो एक्सपीरियंस कोई बीट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप पहले आइए, आपको जहाँ पर भी आपके घर मिलता है अकॉर्डिंग टू योर बजट आप वहाँ पे ले लीजिए, 1 साल रह जाइए। 1 साल में आप इस जगह को बहुत आराम से जान जाओगे। उसके बाद यू विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपको कहाँ पे मूव करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रहोगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं अपना स्टोरी में आपको बोलता हूँ कि मैं जब अभी 2 साल कोविड में मैं जब इंडिया में स्टक था, मैं जब हैलीफैक्स आया फर्स्ट टाइम तो मुझे भी पता नहीं था कहाँ पे ज़्यादा, मतलब कहाँ पे रहना अच्छा है ना है। तो मेरा एक ही था, क्योंकि कनाडा के ऊपर मेरा 4-5 साल उसके पहले मैं रह चुका था टोरंटो, तो उस हिसाब से मुझे आइडिया था, मतलब क्या है यहाँ का प्रोसेस, क्या है यहाँ का लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो मेरा था कि मैं जो मिलता है अभी ले लेता हूँ, इसलिए मैंने लोअर सैकविल में मैं घर ले लिया था। लेकिन लोअर सैकविल में घर लेने के बाद मुझे ये पता था, या मेरे वाइफ को ये पता था कि हम लोग 1 साल के बाद यहाँ पे नहीं रहने वाले, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पहला जो साल है वो ही रहने वाले हैं। 1 साल के अंदर मुझे जहाँ पे जाना है, जहाँ पे मेरा एस्पिरेशन है, जहाँ पे मेरा करियर ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पे यू नो मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, तो वहाँ पे मुझे मूव करना है ऑब्वियसली, राइट। तो आई एम ऑल्सो मूविंग बाय द वे, लेकिन वो मैं बाद में बोलूँगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कैसे क्या है। लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि लास्ट 1 महीने से, शायद 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा था कि कौन सा जगह पे मैं जाऊँगा, अभी कहाँ पे रहना सही है अकॉर्डिंग टू माई बजट, में कहाँ पे रह सकता हूँ। और देखिए मुझे आज के दिन में मेरा जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है जो अगस्त से मुझे मिलेगा, तो दैट इज़ ऑलरेडी कन्फर्म। मेरे पास लीज आ गया एंड एवरीथिंग इज़ कन्फर्म। मुझे जाना, मुझे पता है कहाँ पे मैं जाऊँगा, मुझे पता है मेरे बच्चों का स्कूल कौन सा है, नेक्स्ट सितंबर से स्कूल स्टार्ट होगा, ये लोग कहाँ पे जाएगा, मेरा वहाँ पे गाड़ी का इंश्योरेंस कितना होगा, तो एवरीथिंग आई नो, राइट। तो मैं इतना कम्फर्टेबली आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक साल था, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, उसके बाद आई एम मूविंग लाइक नो वेयरएवर आई वांट। तो ये आप भी करो, ठीक है। आपको, आप अगर हैलीफैक्स आ रहे हो या कनाडा के किसी भी हिस्से में अगर आप आ रहे हो, आने से पहले आप ज़्यादा मत सोचिए दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे, क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ पे स्कूल अच्छा है, कहाँ पे, आई नो लाइक नो दिस, ये क्वेश्चन आता, मेरे भी आता था, लेकिन पहला साल के लिए ये मुझे नहीं लगता कि उतना इम्पोर्टेंट है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कनाडा में मूव कर पा रहे हो। आज के दिन में कनाडा ही ऐसा एक कंट्री है जो लाइक नो अभी भी सबको, जिसका इमिग्रेशन बहुत ईजी है। अभी भी अगर आप चाहो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर आप मूव करना चाहते हो तो दिस इज़ द कंट्री, आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक कंट्री, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको दिया जाता है। यहाँ पे आप आइए वर्क परमिट में या जो भी आपका स्टेटस है, आप आइए या पीआर लेके आइए, उसके बाद 3-4 साल में आप सिटीजन बन जाइए, उसके बाद लाइक नो पूरा दुनिया आपके सामने खुला है, राइट। आप उसके बाद आप कहीं पर भी मूव करो, डजेंट मैटर। 3-4 साल क्या है दोस्तों, देखते देखते निकल जाता है, ठीक है। तो आपके लिए मुझे लगता है कनाडा आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है या यहाँ का जो कल्चर है या यहाँ का जो बेनिफिट्स है, आपके बच्चों को वो देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बी थैंकफुल टू गॉड। अगर आपको, आपका अगर वीज़ा मिल गया है, आपको जितना जल्दी हो सके आप आइए। आपको जहाँ पर भी मिलता है, स्पेशली इन हैलीफैक्स, जहाँ पर भी मिलता है, जो भी एरिया मिलता है, आप उस एरिया में घर ले लीजिए। उसके बाद 1 साल के बाद आप कहीं पर भी मूव कीजिए, ठीक है। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद मतलब हेल्पफुल हो सकता है। आई होप सो। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग मुझे कर सकते हो। एंड वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, क्लेटन पार्क इज़ द बेस्ट एरिया टू लिव अगर आपको मिलता है एंड अगर आपका बजट परमिट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लेटन पार्क से 10-20 मिनट दूर भी अगर आप रहोगे, देन आपका लाइफस्टाइल ख़राब होगा या आपका स्कूल ख़राब होगा या यू नो आपका एक्सपीरियंस खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं लोअर सैकविल रहता हूँ, मेरे हैलीफैक्स में जितना भी दोस्त थे, इंडियन जितना भी दोस्त थे, मैक्सिमम क्लेटन पार्क रहते हैं। मैं सिर्फ रहता हूँ लोअर सैकविल। तो आपको क्या लगता है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ? मुझे लगता है मैं तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो लेकिन वो अपने अपना देखने का तरीका है। तो किसी भी जगह पे मिल रहा है आप बेझिझक ले लीजिए, क्योंकि हैलीफैक्स बहुत छोटा एरिया है, ठीक है, और बहुत ही पीसफुल एरिया है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्राइम ज़्यादा है, कहीं पे क्राइम कम है, कहीं पे रेसिज्म ज़्यादा है, कहीं पे रेसिज्म कम है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पीसफुल है। लोकल कम्युनिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड एवरी वन इज़ वेरी मच हेल्पफुल हेयर। और आजकल इंडियन या अपना जो ब्राउन स्किन है एशियन कंट्री से, हम लोग अभी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं जब आया था तब भी मुझे इतना नहीं दिखता था, तो आजकल मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे इंडियन दिख जाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। अपना जो कम्युनिटी है वो भी ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई क्लेटन पार्क में रह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर कोई स्कैटर्ड होकर रह रहा है, जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो अगर मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, कर लीजिए। और आपको कैसे रेंटल अपार्टमेंट लेना है, इसका मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। मैं उसमें बोला हूँ कि आप अगर आप इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, आप वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डजंट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे आने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा आपके घर से आप वो सर्च अब आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस जो वीडियो है वो आप लोग देखिए। तो एनीवे, सो देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि कनाडा के ऊपर हर रोज़ मैं ऐसा कुछ ना कुछ अपडेट लेके आता हूँ जो एज ए इमिग्रेंट, एज ए न्यू कमर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। And the purpose of this vlog or purpose of this platform is like totally everything about Canada, चाहे वो travel हो गया, चाहे वो immigration हो गया, कोई भी information हो गया, everything about Canada। So अगर आप नए हो, please do subscribe my channel। Thank you।